सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नए पेशवा का चुनाव, कोई है जो स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे? पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी छत्रपति। हमें बड़ी खुशी हुई श्रीपति राव। क्या सारा दरबार पंत प्रतिनिधि के सुझाव से सहमत है? महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो इसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती? चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर काटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मरता। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार। कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं पंत प्रतिनिधि करेंगे। वो मयूर पंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से दो हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। अब देखते हैं चीते की चाल और बाज की नजर। मयूर पंख को दो हिस्सों में तोड़ने की, और पूरा दरबार देख रहा है मयूर पंख अब भी वैसा का वैसा है, पर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानिए, आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा। यह था मेरे शस्त्र का परिचय, अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूर पंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा।